दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बजरी तोतों की कॉलोनी, जो मेरी उस साइड जो आप कॉलोनी देख रहे हैं तो वो बजरी तोतों की कॉलोनी है, ये फिशर की कॉलोनी है जो आप देख रहे हैं। तो बजरी तोतों की कॉलोनी एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बर्बाद हो गई थी, यूँ समझिए कि उसमें तीन चार मटकियों में बच्चे थे, मुश्किल से तीन चार मटकियों में बच्चे थे या पांच छह बच्चे थे, कुल मिला के 10 बच्चे होंगे बस ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा टाइम भी आ गया था, एक टाइम आपको याद होगा, जो भाई मेरे आप पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको सब पता होगा कि मैंने जब भी वीडियो बनाया था दोस्तों, और वो भी दिखाया था कि इतनी कम प्रोग्रेस हो रही है और इतना ख़राब हो गया कि, और एक टाइम में अभी जैसी है, एक टाइम में ऐसी थी उससे पहले। तो दोस्तों अब शुरुआत तो मैंने बहुत कम से की थी, आपको मालूम है जो लोग पुराने वीडियो देखते हैं कि चार पांच जोड़ों से शुरुआत करी थी, फिर कॉलोनी बन गई थी, खूब अच्छी ब्रीड भी हुई, और फिर बीच में जाके और कॉलोनी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग ख़राब हो गई थी। उसकी वजह दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, उसकी वजह ये थी दोस्तों कि मैं क्या करता गया था कि जैसे ही पट्टे मेरे निकलते गए तो मैं उन्हें निकालता गया, सेल करता गया। मैंने बहुत सारे सेल करे थे पट्टे, और साल भर तक खूब अच्छी तरह से पट्टे सेल करे और ब्रीड भी बहुत अच्छी हुई थी। तो ये हुआ दोस्तों कि पुराने जोड़े वैसे के वैसे ही रहे और पट्टे में सेल करता गया। तो होता क्या है कि ये बजीज के जो जोड़े होते हैं तो वो दो ढाई साल अच्छी ब्रीड करते हैं, उसके बाद फिर ये बेकार होने लगते हैं। तो मैंने क्या करा, मुझे क्या करना था, कुछ पुराने पट्टों में से भी जो ख़राब हो रहे थे, जैसे डाउट था जिन पे ख़राब होने वाले थे, जिनकी ब्रीड थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी थी, उनको भी निकालना था मुझे। यानी दो पट्टे, जैसे मैं दो पेयर पुराने निकाल देता, और जैसे मान लीजिए मुझे 30 पट्टे निकालना थे, 30, और 30 पट्टों में से चार पट्टे मुझे रख लेना था, यानी दो जोड़े उनके एवज के रख लेना था, जो दो पुराने निकालता, दो की बजाय चार रख लेना था मुझे, चार जोड़े यानी कि 8 बर्ड्स हो गए। 8 बर्ड्स अगर मैं 30 में से अलग कर देता तो 22 हो जाते, 22 पट्टे वो होते, और दो जोड़े अगर मैं ये निकाल देता तो 22 और चार, दो जोड़ों के चार बर्ड्स हो जाते हैं, तो 22 और चार 26 हो जाते। तो दोस्तों इस तरह से मुझे बेचना था, सेल करना था, या जो भी करना था, जिसको भी देना था। तो मैंने क्या करा कि नए नए पट्टे ही पट्टे हमेशा वही वही निकालता गया था मैं, पुराने जोड़े मैंने वैसे ही रहने दिए थे कि ये तो ब्रीडिंग पेयर है, लेकिन वो गलती मुझे नुकसान दे गई, और फिर उसी की वजह से ये हुआ कि पुराने पेयर में से जो जोड़े थे वो कम होते गए। और मालूम नहीं पड़ता जब बर्बाद होती है कॉलोनी तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि बहुत ही कम हो गई ब्रीड, और जोड़े बहुत कम हो गए, कम बचे ब्रीड करने वाले जोड़े, बहुत कम बचे। पुरानी जो मादाएं थी वो ख़राब हो गई और ब्रीड करना उन्होंने बंद कर दिया, कोई कंडम बच्चे निकालने लगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था माहौल कॉलोनी का, आप सब ने देखा है अगर जिसने वीडियो देखे हैं पहले वाले। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि हिम्मत नहीं आ रही, वीडियो भी बनाता रहा मैं, कभी मैंने आज तक झूठा वीडियो नहीं बनाया कि बच्चे इधर के उधर रख के बना दिया, या बहुत सारे बच्चे दिखा रहे हैं और जो है नहीं वो दिखा रहे हैं। बहुत से लोग मेरी कॉलोनी में आते रहते हैं, देखते रहते हैं, कई लोग आए, कई भाई आए मेरी कॉलोनी में, देखा जैसा होता है वैसे ही मैं दिखाता हूँ। जब मेरे पास चार पांच बच्चे थे तब भी दिखाए, और अब 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। पिछला वीडियो डाला था मैंने तो 115 किसी ने, भाइयों ने गिने थे, किसी ने 118, किसी ने 120, तो मुझे लग रहा है 117-118 बच्चे तो होंगे, और अभी मैंने गिने नहीं। आज फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस का वीडियो होगा दोस्तों। तो अभी सोचा मैंने दोस्तों कि एक वीडियो बना के बताऊं कि एक बार कॉलोनी बर्बाद होने के बाद फिर से आबाद हो गई, फिर तरक्की हो गई कॉलोनी में, और माशाल्लाह फिर अच्छी ब्रीड होने लगी है, और अब मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि एक हौसला अफजाई के लिए बना रहा हूं, नए भाइयों की, नए दोस्तों की, कि होता क्या है कि कभी कभी हम लोग परेशान आ जाते हैं ज़रा से उसमें, जैसे अब मैं ही सोचता उस टाइम कि अरे मेरी तो ब्रीड बहुत ख़राब हो रही है, मुझे बेच देना चाहिए, मैं फ़ौरन यूट्यूब के चैनल पे अपने बताने लगता कि भाई मेरा सेटअप बिका हुए है और मैं बेच रहा हूँ, पूरे के पूरे बर्ड्स लेने वाला है कोई, तो वो सब नहीं करके मैंने आराम से काम लिया, हिम्मत से काम लिया थोड़ा सा, और उन्हीं में से ही मेरे पट्टे कुछ कुछ होते गए, कुछ बाज़ार से ले आया था थोड़े से, दो चार ब्लड लाइन चेंज करने के लिए, वो भी नहीं तो बाकी मैंने, बस मुझे ये नुकसान थोड़ा सा हुआ कि मुझे नए पट्टे मैंने सेल नहीं कर पाया इतने दिन तक, काफ़ी टाइम तक सेल नहीं करे। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ दोस्तों कि बजरी तोतों ने इतना ख़र्चा निकाल लिया कि फिशर और खुद का जो दाने का ख़र्चा होता है इनका, वो इन्होंने निकाल दिया था बीच में,
मुझे कोई ज़्यादा प्रॉफिट ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने वो ख़र्चा निकाल दिया, मुझे कुछ लगाना नहीं पड़ा। और अब आप देख रहे हैं कि फिर भी ब्रीड अच्छी है और ठीक ठाक है। तो यही आपसे शेयर करना था दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो। और मैं अंदर चल के आपको मटकियों में दिखाता हूँ कि देखिए आप प्रोग्रेस माशाल्लाह ठीक ठाक है। और इसके बाद मैं अभी तो पूरा प्रोग्रेस का वीडियो नहीं बना रहा, अगला वीडियो बनाऊँगा पूरा प्रोग्रेस का बनाऊँगा, वो भी देखिएगा आप, पूरा वीडियो पूरी मटकियाँ दिखाऊँगा। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ।